19 में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन में भव्य स्वागत हुआ। सीएम धामी के लंदन पहुंचते ही उत्तराखंड के प्रवासियों ने भव्य स्वागत किया है। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी और पौमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ का एमओयू साइन किया। साथ ही आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ब्रिटेन का रियल एस्टेट बाजार आवासीय विकास से लेकर वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे तक विभिन्न अवसर प्रदान करता है। लंदन और मैनचेस्टर जैसे शहर इसके अच्छे उदाहरण हैं। उत्तराखंड में भी अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड का भी चहुमुखी विकास हो रहा है। हम भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं और पिछले 9 सालों में उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ से 1,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। आज उत्तराखंड एक कोने कोने को जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाना जैसा कठिन काम हो, देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कनेक्टिविटी को विकास का मूल मंत्र मानकर उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ट्वीट साझा किया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लंदन में उषा ब्रेको लिमिटेड के साथ उत्तराखंड में 1000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू साइन किया गया है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रदेश की आर्थिकी को नई गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्वतीय विकास मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूरन चंद्र शर्मा का निधन हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया और कहा कि मुझे श्री पूरन चंद्र शर्मा जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां आंदोलन कर रही हैं। उनकी मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाए। तो वहीं अब इस मामले पर महिला बाल सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए सीएम धामी ने बेहतरीन निर्णय लिए हैं। उन्हें फिलहाल जो मानदेय दिया जा रहा है वो अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। वर्तमान में आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय प्राप्त हो रहा है, आप देश के किसी भी राज्य में किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय से तुलना करेंगे तो मैं समझती हूँ कि तीसरे या दूसरे स्थान पर उत्तराखंड स्टैंड करेगा, जहाँ आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानित मानदेय जो है दिया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि धैर्य रखने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस मानदेय से उनके संपूर्ण कार्य की जो है वो समतुल्य धनराशि हम लोग दे रहे हैं। मानती हूँ कि वो बहुत सारा काम करती हैं, उस काम के सापेक्ष जो धनराशि हम दे रहे हैं वह उसका उचित मूल्य नहीं है, लेकिन हमारी ओर से हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता, हमारा ध्येय, हमारा मंतव्य बिल्कुल क्लियर है कि हमने उनको बड़ा हुआ मानदेय दे रहे हैं और इतने बड़े हुए मानदेय के साथ में पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जो ऐसा दे रहा होगा। जो मैंने कहा कि गिने चुने राज्यों में तीसरा या दूसरा स्थान देवभूमि का रहेगा, जहां देवियों का ये सम्मान किया गया है। और आगे भी मुझे लगता है कि धामी जी जिस प्रकार से रक्षाबंधन में बहनों के लिए उत्साहित होकर कोई ना कोई सुविधा उनको देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में भी हमारे दृष्टिकोण में ये बात है कि हमें हम और कुछ अच्छा कर पाए उनके लिए तो हम करेंगे।
रेल मंत्रालय ने उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दी है। बीते लंबे वक्त से दिल्ली और कोटद्वार के बीच ट्रेन चलाने की मांग को स्वीकृति मिल गई, जिसके बाद अब दिल्ली से कोटद्वार के लिए ट्रेन सेवा शुरू होगी। इसकी जानकारी खुद रेल मंत्री ने पत्र के जरिए दी है। दरअसल राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कुछ ही दिन पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने रेल मंत्री से दिल्ली और कोटद्वार के बीच ट्रेन चलाने की मांग की थी। उत्तराखंड सरकार आगामी दिसंबर महीने में प्रदेश में इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उद्योगपति प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों लंदन के दौरे पर भी हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान भी इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा था कि त्रिवेंद्र रावत का गणित कुछ कमजोर है और वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ अधिक ही गणित के आंकड़े लगा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने देश के आर्थिक हालातों पर केंद्र को घेरते हुए कहा कि जो विकास का मॉडल केंद्र ने दिखाया है वो खोखला साबित हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो आर्थिक न्याय पर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो केवल अमीरों के लिए हैं। हरीश रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को खत्म कर रही है। सरकारी पदों को ना भरना भी आरक्षण को खत्म करना है। हमने तय किया है राष्ट्रीय स्तर पर कि हम आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, इन दोनों मुद्दों पर हमारी नीतियां केंद्रित हैं। हमारी जो आगे की लड़ाई है और हमारा मानना है कि इस आज की सरकार है, चाहे दिल्ली की हो चाहे भाजपा की राज्यों की सरकार हो, ये सामाजिक न्याय ऊपर विशेष तौर पर आरक्षण की जानबूझ करके हत्या कर रही है। जब पद ही नहीं भर रहे हैं, पद सृजित ही नहीं होंगे, पब्लिक अंडरटेकिंग समाप्त होंगी तो जो है कहाँ से, जब नौकरियाँ नहीं रहेंगी तो फिर आरक्षण अर्थहीन हो जाएगा। तो सामाजिक न्याय की हत्या कर रही है और आर्थिक रूप से इनकी जो नीतियां हैं वो केवल अमीरों को अमीर बना रही है। उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 के दो पुरस्कारों से नवाजा गया। यह अवार्ड उत्तराखंड को आयुष्मान योजना में बेहतर काम करने पर दिया गया। बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने पर दिल्ली में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान में बेहतर काम करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। देखिए, ये क्लेम एडजुडिकेशन और एंटी फ्रॉड मेजर्स जो SHA द्वारा किया जाता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आरोग्य मंथन के समारोह में उत्तराखंड को सम्मानित किया गया बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट के तर्ज पे। और उत्तराखंड में ये रिकॉर्ड रहा है कि जो हॉस्पिटल के क्लेम्स आते हैं 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसका निस्तारण हम लोग कर देते हैं, और इसी की वजह से जो है टाइमली पेमेंट भी होता है हॉस्पिटल्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी हमारे साथ इसी वजह से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस जो है हर तरह से पारदर्शी भी है। और एंटी फ्रॉड मेजर्स के तौर पे हमने डेली क्विक ऑडिट सिस्टम अपनाया है, जिसमें जो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी जो क्लेम्स चेक करता है उनके द्वारा जो क्लेम प्रोसेसिंग है उसको हम लोग जो है DQAS के माध्यम से चेक करते हैं, और 2-3 घंटों में इसका जो है जल्दी हम लोग निस्तारण कर देते हैं, और ये डेली बेसिस पे होता है। तो इन दोनों चीजों के को लेकर भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को सम्मानित किया गया।
चलिए वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेकअप, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुक करेंगे खबरों की ओर। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एनआईए की टीम ने खालिस्तान समर्थकों को मदद पहुंचाने वाले लोगों के घरों में छापेमारी की। इसी कड़ी में बाजपुर के ग्राम धनसारा में शकील अहमद के घर पर भी छापा मारा गया। बता दें कि शकील अहमद एक गन हाउस की दुकान चलाता है और उस पर शक है कि वो खालिस्तान समर्थकों को अवैध तरीके से असलाह सप्लाई करता है। इसी को लेकर एनआईए की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। तो वहीं देहरादून जिले के क्लेमेंटाउन थाना क्षेत्र में एनआईए ने एक घर पर छापा मारा है। मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम आज सुबह से छापेमारी कर रही है। एनआईए ने आतंकी सरगना नेटवर्क से जुड़े 43 लोगों की डिटेल भी जारी की थी, जिनका कनाडा से संबंध है। हल्द्वानी में पिछले 7 साल में बने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। हालात ये है कि 3 सरकारें बदल गई, लेकिन प्रतिभाओं को निखारने के लिए बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आज भी विभाग को हैंडओवर नहीं हो पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक ने जहां सरकार पर सीधा हमला बोला है, तो वही सरकार की खेल मंत्री इसका बचाव करती नजर आ रही है। हल्द्वानी के गोलापार में बने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया। 225 करोड़ की लागत से बनाए गए इस स्टेडियम को बने हुए 7 साल हो गए हैं। 3 सरकार बदल गई है, लेकिन आज तक ये स्टेडियम बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस्तेमाल होने की बजाय धूल फांक रहा है। एक ओर सरकार राष्ट्रीय खेल कराने की सोच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम बिना इस्तेमाल हुए ही खराब होने की स्थिति में पहुंच गया है। लिहाजा विपक्ष का आरोप लगाना भी लाजमी है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि उनकी मां इंदिरा हृदयेश ने इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण करवाया था, ताकि प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर सके। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भाजपा की 2 सरकारें बदल गई हैं, लेकिन आज तक इस स्टेडियम में एक खेल भी नहीं हो पाया है। बदहाली तो धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है, और जिस उद्देश्य से वो बना था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम इसलिए बना था कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे मैच हो, रणजी ट्रॉफी के मैच हो, देश में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हल्द्वानी की एक पहचान बने कि हल्द्वानी एक डेस्टिनेशन ऐसी भी है जहाँ पे खेल और खिलाड़ियों के लिए तब इतनी बढ़िया व्यवस्था है। तो ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो करके नहीं गई थी। जन कल्याणकारी योजनाओं पर लगातार घात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, ISBT हमारा गायब कर दिया, जो स्टेडियम बना बनाया आपको सौंपा गया था, 7 साल आपकी सरकार हो गई, बदहाली की ओर पे है, वहाँ से ऊपर से उसकी छत टपक रही है, हर चीज़ टूटने लग गई है, एक जिले स्तर तक का क्रिकेट मैच आप कराने में असमर्थवान रहे हैं वहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ सरकार में खेल मंत्री रेखा आर्य का जवाब कुछ और ही है। उनका कहना है कि अब इस स्टेडियम को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर भविष्य में इस क्षेत्र में बनने वाली यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा में और भी निखार आएगा। हालांकि 7 साल से एक स्टेडियम सरकार हैंडओवर तक नहीं ले पाई है, लेकिन अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के ख्वाब पूरा करने में न जाने सरकार को कितना और वक्त लगेगा। जो हमारा स्टेडियम है, उस स्टेडियम को हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि आने वाले समय में हल्द्वानी में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, तो उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से हम उसको कनेक्ट करेंगे, इस तरह से लगातार उसकी उपयोगिता को प्रासंगिक बनाएंगे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन बरसात के समय अभी आपने जैसा जिक्र करा है तो विभाग उसका परीक्षण करा रहा है। निश्चित रूप से यदि कहीं पे भूदशा हुआ है तो उसका संज्ञान लेते हुए उसको दुरुस्त किया जाएगा। एक तरफ सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को उबारने के लिए प्रोत्साहन योजना चला रही है, तो वहीं दूसरी यदि खिलाड़ी खेल मैदान में खेल ही नहीं पाएंगे तो फिर उसकी प्रतिभा कैसे निखरेगी। लिहाजा पूरे कुमाऊं मंडल के प्रतिभावान छात्रों की नजर हमेशा हल्द्वानी में बने इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की तरफ लगी रहती है। लेकिन क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट छोड़ कई बार हॉकी और फुटबॉल मैच हो चुके हैं, लेकिन क्रिकेट के मैच अभी तक नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग आज से शुरू हो रही है। अक्टूबर की बुकिंग आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो गई है। तो वहीं चार धाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री अब की पिछली साल का भी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में हैं। अब तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 42 लाख के पार हो चुका है। अभी लगभग 1.5 माह का समय बाकी है और सरकार को उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की संख्या पर 50 लाख इस बार पार होंगे। उत्तराखंड से जल्द ही मॉनसून की विदाई होने वाली है, लेकिन मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित थपलियाल ने बताया कि इस महीने के अंत तक मॉनसून के लौटने की संभावना है। राजस्थान के कुछ हिस्सों से मॉनसून की विदाई हो चुकी है। उत्तराखंड में मॉनसून का सामान्य समय 30 सितंबर तक रहता है और इस बार सामान्य समय पर मॉनसून की विदाई के आसार हैं। मॉनसून की बात करें तो नॉर्मल जो डेट है उत्तराखंड से विड्रॉल की, वो 30 लास्ट जो वीक है सितंबर का, 30 के आसपास कंप्लीटली जो विड्रॉ हो जाता है। तो इस साल भी अभी जो है विड्रॉल कल जैसे है तो राजस्थान से स्टार्ट हुआ है मॉनसून विड्रॉल, तो ऐसे जो विड्रॉल लाइन बढ़ेगी तो उसी के जो है 30 के आसपास ही उम्मीद है कि उत्तराखंड से भी विदा हो जाए। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने निवेशकों के करोड़ों रुपए डकारने वाले बहुचर्चित अभियुक्त दीपक मित्तल के पिता और गैंग के अभियुक्त को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने साफ कर दिया है कि व्हाइट कलर अपराधों में लिप्त अपराधियों पर अभियान चलाकर दून पुलिस कार्रवाई करेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग के लिए इसमें करीब 10 मुकदमे दीपक मित्तल एंड से कंपनी जो उसमें इन्वॉल्व थे उसमें दर्ज है। इसमें गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज था। इसमें सप्लीमेंट्री गैंग चार्ट के आधार पर जो दीपक मित्तल के फादर अश्वनी मित्तल है उन पर भी केस रजिस्टर्ड हुआ था। इस पर टीम ने उनको हरिद्वार से जो है गिरफ्तार किया और इसमें न्यायिक हिरासत में उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो समस्त जानकारी एसआईटी टीम से मिली उसमें यह पता चला कि 41 अकाउंट अभी तक हमारी टीम ने जो है विभिन्न स्रोतों से जानकारी करके जो इसमें अकाउंट के ट्रांजेक्शन चल रहे थे उसको किया, जिसमें 200 करोड़ से ज़्यादा इसमें ट्रांजेक्शन थे। कुछ NRI अकाउंट्स भी पुलिस टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन मिले हैं जो फॉरेन में बेस्ड है। साथ ही साथ जो अभी अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं इसमें देखा गया है कि विदेशों में पैसा भेजा गया, किन परिस्थितियों में, सोर्स ऑफ इनकम क्या थी उस पैसे की, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन और गैंगस्टर का जो मुकदमा लिखा है उसके तहत 14 के तहत ये इसमें इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूरन चंद शर्मा का निधन, सीएम धामी ने ट्वीट कर जताया शोक, आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के आंदोलन पर महिला बाल सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य का बयान, कहा सीएम धामी बहनों के लिए कर रहे कई काम, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिए जाने वाला वेतन अन्य राज्यों की तुलना में है बेहतर। उत्तराखंड को मिला आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023, प्रदेश स्वास्थ्य सचिव ने लिया अवार्ड, प्रदेश में बने लाखों की संख्या में आयुष्मान कार्ड। उत्तराखंड में NIA की रेड, खालिस्तान समर्थकों को मदद के चलते लोगों के घरों में छापेमारी, मामले में NIA ने की लोगों से पूछताछ। रामनगर में SDM ने दिया था अस्पताल परिसर पर धरना, कामकाज हो रहा था प्रभावित, प्रदर्शन पर रोक शासन ने लगाई। रामनगर में राजकीय शिक्षक संघ करेगा काली पट्टी बांध प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देंगे धरना, मांग न पूरी होने पर होगा बड़ा प्रदर्शन। जल संस्थान के कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट, 6 से 7 कर्मचारी हुए घायल, जांच में जुटी पुलिस। शहर में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामले, पुलिस ने शुरू की AI बेस्ड कॉमिक्स, साइबर अपराध को लेकर लोगों को करेंगे जागरूक। केदारनाथ धाम में हेली यात्रा शुरू, अक्टूबर की बुकिंग आज से हुई शुरू, सितंबर तक की बुकिंग हो चुकी है फुल, यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। उत्तराखंड से जल्द ही मॉनसून की होगी विदाई, मॉनसून
को लेकर मौसम विज्ञान ने दी जानकारी, कहा महीने के अंत तक लौटेगा मॉनसून। चलिए उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।